सुनियो नैनों की मत मानियो रे नैनों की मत सुनियो रे नैनों ठगले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस के टी ट्यून्स चैनल। तो आपने पिछले जो 6 लेसन है 6 क्लासेस है वो आपने होप अटेंड करी ली होगी। तो आज 7वां लेसन है। तो आज के लेसन के बाद आपके जो नेक्स्ट लेसन होने वाले उनमें आप गाना कैसे निकालते हैं वो सब आप सीखने वाले हो। तो उसके लिए पहले तो आपने जो पुराने 6 सेशन है वो अटेंड किए होने चाहिए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो और आगे के लेसन भी आपको समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देखो, संगीत के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप भगवान तक को पा सकते हो। और कलयुग में तो कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो 1 घड़ी कीजिए, और 1 घड़ी से भी आधी घड़ी कहते हैं, तो उसमें भी आपको फल मिल जाता है। और मेरे चैनल में आपको ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कोई डिटेल में बताने वाला मैं हूँ नहीं, क्योंकि अगर आपको बहुत बातें सुनी है फिर आपके लिए ये चैनल नहीं है, फिर आप गलत जगह ठहर चुके हो, फिर आप कहीं और भी देख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से संगीत को सीखना चाहते हो और टेक्निक से, देखो साइंटिफिक चीज़ें होती है, मैं हमेशा अध्यात्म की भी बात करता हूँ तो विज्ञान को साथ में लेकर कहता हूँ कि हमारा विज्ञान कहीं ना कहीं अंधविश्वास पे नहीं है, उसमें साइंटिफिक कोई ना कोई रीज़न है। सूर्य को पानी चढ़ाते हैं या हम नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, या सुबह उठकर हम हाथों को मलते हैं तो हमारे शरीर की नाड़ियाँ इसमें हैं इसलिए मलते हैं, या हमें इसमें भगवान के दर्शन करने होते हैं। ये लोगों की अपनी अपनी धारणा है, जिसको जो सही लगता है वो उस तरह से ले सकता है। लेकिन वैज्ञानिक आज साइंटिफिक और कहानियों से या किसी न किसी टेक्निक के माध्यम से लोगों को समझ में आती है। तो आपके लिए फिर यही चैनल है, आप इसमें 100% ग्रो करोगे और कामयाब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेसन 7 का। आज आपको जो डेटा देना है, तो होप आपने पुराना जो मेरे 6 जो लेसन होंगे वो देख लिए होंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके वीडियोस देख लीजिए। और आज आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आपको सबसे पहले समझने वाली चीज़ क्या है कि आपने जो रियाज़ करने का तरीका है वो थोड़ा सा वही रहेगा, लेकिन आपको सहारे के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड समझते हो ना, सा ग प, पहले तो आपको ये पता था कि सा रे ग म प ध नि सा, ये बिलावल थाट से आप कर ही रहे थे। अब आप ये समझिए कि ये कॉर्ड है सा ग प सा ग प, एक भराव आपको मिलता है। जैसे सा कोई भी गाना गाते हो, अब आपने क्या करना है, पहले तो ऐसे ही रियाज करना है जैसे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब आपने ये कॉर्ड पकड़कर सा ग प, हर जगह का कॉर्ड 1 5 और ये 8 1 5 8 1 5 8, फिर 1 5 8, जब ये सा बन जाएगा फिर इसका 1 5 8, फिर ये सा बन जाएगा फिर इसका 1 5 8, ऐसे कॉर्ड्स ये सब के आपने पकड़ के, कॉर्ड्स में बता देता हूँ ये आप ध्यान से वीडियो देखना, सा कॉर्ड पकड़ के सा बोलना है सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा
समझ गए ना। अब आप वीडियो पीछे आप रिवर्स करके भी देख सकते हो। तो ऐसे आपने रियाज करना है। और तीसरा जो स्टेप रहेगा उसके बाद फिर आपने क्या करना, फिर कॉर्ड नहीं पकड़ने, कुछ भी नहीं पकड़ना है। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कॉर्ड से इसकी, फिर आपने कल दिन गाना होगा तो कॉर्ड्स आपको पता होगा, आपकी उंगली ऑटोमेटिकली जाएगी और हर स्केल से आपको ढूंढने में भी बाद में मदद मिलेगी। ओके अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपने सिर्फ सा पकड़ना है, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। समझ गए ना, ये स्वर है। बट ये आपने उंगली नहीं रखनी है, फिर फ्री गाने की कोशिश करना। जब आपको लगे कि आपका स्वर भटक रहा है क्योंकि आप जैसे नए हो अभी, तो आप ऐसे सहारा ले सकते हो, जैसे सारे गा। आपको पता है कि ग मेरा कहीं हिल रहा है, फिर आप गए ले सकते हो गा मा पा। फिर आपको लगा पा नहीं पहुंच पा रहा हूं, पा धा। फिर आपको लग रहा है कि मैं कहीं ऊपर नीचे हो रहा हूं, फिर धा आप सुन सकते हो धा। फिर नी सा, सहारा तभी लेना है जब आपको लगे कि मैं आउट हो रहा हूँ, और हल्का सा ले सकते हैं वैसे अगर आप शुरू में जब कोशिश करेंगे ना, हल्का हल्का लें सा नी धा पा मा गा रे सा। और बाद में बिल्कुल भी नहीं लेना है, शुरू में थोड़ा थोड़ा लेना है सहारा, बाद में थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाना है, और फ्री हैंड फिर गाना है। सिर्फ सा पकड़ना है और तब गाना है। और अगर आपके पास हारमोनियम भी नहीं है ना, देख लो जिन्होंने कामयाब नहीं होना होता ना, उनके पास बहाने ही बहाने होते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आजकल मोबाइल में ऐप इतनी सारी आती है, गेम्स के लिए तो मोबाइल भरा पड़ा रहता है आजकल यूथ का। तो आप एक अच्छी चीज़ अपने लिए ढूंढिए, हारमोनियम पियानो का कोई ऐप आती है, वहाँ पर दबाइए फ़ोन में सा रे गामा, करिए शुरू काम। किस बात का रुकना नहीं है कि जब हारमोनियम आएगा तब करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस सर शुरू करेंगे तब करेंगे, वो तो बाद की बात है। आपने आपने अभी तैयार होना है ना 9 दिनों का ये डेटा लेकर। समझ गए ना, तो इनसे आपकी ज़बरदस्त पकड़ होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि ये तो सोने पे सुहागा है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। और आपने एक काम ज़रूर करना है, हर कॉर्ड से जब आपको कॉर्ड बताई दिया, फिर आपने इसी लेसन में ध्यान रखना है, डायरी में नोट कर लो बेशक, जैसे या सा रे गा मा पा धा नी सा, वैसे यहाँ से भी आपने कोशिश करनी है। जैसे ये आ गया, यहाँ से आप करो, पहले तो यहाँ से करो सा रे गा मा पा धा नी सा, वैसे यहाँ से, ऐसे आपने यहाँ से भी शुरू करना है सा रे गा मा पा धा नी सा, और यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। समझ गए, अब ये जब आप हर स्केल से आपने करना है सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर यहाँ से भी यहाँ से भी। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ सारा कि आपको, कि जब आप कॉर्ड पकड़ोगे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 1, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, उसके अकॉर्डिंग करते जाओ और सारे आपके वैसे ही पॉलिश हो जाएंगे। तो होप दोस्तों आपको ये लेसन 7 समझ में आ चुका होगा, और नेक्स्ट लेसन के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले लेसन में आपको वो A to Z जानकारी मिलने वाली है। कोई भी गाना आप निकाल सकते हो, कोई भी, दुनिया का कोई भी। अगले जो 8 तो जो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको बिलावल थाट से कैसे निकाल सकते हो, और बहुत सारे गाने हैं बिलावल थाट में भी, और उससे अगले में फिर बाकी की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ, कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय सनातन।